हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेसन में हम कोई सॉन्ग कवर नहीं करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि जब हम कोई नया गिटार लेने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है। तो विथ एग्जांपल मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है एक नया गिटार लेते टाइम। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो टिप्स नंबर वन है वो है, सबसे पहले जो हमें ये फ्रेट बोर्ड देखना है। फ्रेट बोर्ड जो है ये एकदम सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी अगर ये बैंड होता है तो हमें गिटार नहीं लेना है। तो आपको ये कैसे दिखेगा, आपको यहाँ से आपको देखना है इस फ्रेट बोर्ड को सीधे पूरा लाइन में। अगर सीधा है तो ठीक है, आप ये गिटार को ले सकते हैं, नहीं तो इस गिटार को आप बिल्कुल भी ना लें। तो मेरे केस में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा ये बैंड हो गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, अगर ये कुछ ऐसा कर्व शेप ले लेता है या ऐसा शेप ले लेता है, तो आपको ये गिटार नहीं लेना है। तो ये है हमारे टिप्स नंबर वन। तो चलिए देख लेते हैं हमारे टिप्स नंबर सेकंड। तो टिप्स नंबर जो सेकंड है उसके अंदर आपको देखना है ट्यूनिंग कीज। तो दोस्तों, जो सेकंड नंबर के टिप्स है उसमें हम देखेंगे ट्यूनिंग कीज। जो हमारी जो ट्यूनिंग कीज होती है उसे हमें रोटेट करके देखना है, स्मूथली चल रही है या नहीं। क्या होता है, कभी कभी जो ट्यूनिंग कीज होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ढीली होती है। तो आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं हो, ज़्यादा ढीली भी नहीं हो, आपको ये रोटेट करके चेक करना है। एक और चीज़ आपको देखना है कि कहीं पर जंग लगा हुआ तो नहीं है, आपको कोई जंग लगा हुआ गिटार तो नहीं मिल गया, क्योंकि फ्यूचर में इसकी वजह से ये जो ट्यूनिंग कीज़ है इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है आपको स्ट्रिंग टाइट और ढीले करते टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। एक एक कीज़ को आपको रोटेट करके देखना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, आप पीछे से देख सकते हो, आपको अच्छे से देखना है पूरे गिटार में। तो ये है हमारी टिप्स नंबर सेकंड। दोस्तों, टिप नंबर थ्री में आपको अच्छे से देखना है गिटार में कोई डेंट मार्क वगैरह तो नहीं है। ब्रिज को देखना है आपको, ब्रिज वगैरह सब सही तो है कि नहीं है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आपको दिख रहा होगा जो मेरा गिटार का ब्रिज है इसके अंदर जो बीच में से आपको लकीरें दिख रही होगी, ये मतलब टूट रहा है ये। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा होगा तो आगे जाके गिटार में से अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, एक्शन मेरा चेंज हो जाएगा, कभी हाई कभी लो हो जाएगा। और अब देख सकते हो जो साइड से ब्रिज के है, फोकस नहीं हो रहा, मैं फोकस करता हूँ। तो देखिए, जो मेरे ब्रिज के जो पीछे साइड से है आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गैप आने लगा है, मतलब ये मेरा जो ब्रिज है ये पीछे से उठ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई नया गिटार ले रहे हो तो आप ये ज़रूर चेक करें, ब्रिज आपका ब्रिज के यहाँ पर गैप तो नहीं है। तो आप और आगे से भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि इसके अंदर आगे से क्या हो रहा है आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर आगे से ये ना दब रहा है और पीछे से उठ रहा है, तो इसकी वजह से मेरा बार बार एक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो गिटार में डेंट मार्क होते हैं, जब भी हम गिटार कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी हम कोई सॉन्ग गा रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये अच्छे नहीं दिखते। तो जैसे कि जैसे मेरा ये गिटार यहाँ से दब गया है, जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो ये सारी चीज़ें दिखती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमने इतना पैसा खर्चा करके एक गिटार लिया है और वो एकदम सेकंड हैंड गिटार जैसा लग रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये सारी चीज़ों अगर आपके गिटार में आती है तो आपको इसे रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे इस गिटार में कितने सारे डेंट मार्क वगैरह है, इतने सारे स्क्रेचेस वगैरह है। ये इसलिए है क्योंकि ये गिटार ना बहुत ही पुराना हो गया, मुझे चेंज भी करना है। मैं इसके अंदर 12th फ्रेट तक के अगर कुछ प्ले करना है तो मैं बिल्कुल भी प्ले नहीं कर पाता हूँ, आपको दिख रहे होंगे कितने सारे स्क्रेचेस है। तो मैं बहुत ही जल्दी एक नया गिटार भी ऑर्डर करने वाला हूँ, जैसे ही वो आ जाएगा मैं आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा और जो पॉइंट्स बताए थे उसमें भी आपको शो करूँगा। दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है एक्शन। जो आप देख सकते हो मेरा जो स्ट्रिंग का एक्शन है, आपको आई होप दिख रहा होगा, ये जो है अभी थोड़ा सा नीचे है। जब वो फ्रेट नंबर वन से चालू होता है तो फ्रेट नंबर 12 तक के अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके,
मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। तो ना ये थोड़ा स्ट्रिंग का एक्शन थोड़ा ऊंचा होते जा रहा है, मतलब हाई होते जा रहा है। तो अगर ज़्यादा हाई एक्शन होगा तो मुझे गिटार प्ले करने में तकलीफ़ होगी, आपको भी होगी। तो स्ट्रिंग का जो एक्शन होता है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रिंग का एक्शन है अगर वो लो है तो बजिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है गिटार लेते टाइम। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर आपको ब्रिज आपको गिटार का देखना है अच्छे से, पूरा ब्रिज के अंदर सब कुछ सही है कि नहीं। जैसे मेरे केस में आपको दिख रहा होगा ब्रिज के अंदर रकील्स दिख रही है, और जो सेडर है वो बहुत ही एडजस्ट किया है मैंने उसको, इस टाइप से एडजस्ट किया है कि मेरे ज़्यादा स्ट्रिंग हाई भी एक्शन हाई भी ना हो और लो भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें नए गिटार में नहीं होना चाहिए, पुराना होने के बाद तो चलो हम उसको कुछ ना कुछ करके सेट करेंगे, पर नए गिटार में नहीं होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिटार का मॉडल नंबर हम कैसे चेक करें। तो मॉडल नंबर जनरली हमारे गिटार के साउंड बॉक्स का जो होल है उसके अंदर लिखा होता है, आप देख सकते हो मेरा गिटार का नाम और मॉडल नंबर आपको क्लियरली दिख रहा होगा वहाँ पर, आई होप। तो ये मेरा गिटार का नाम कैप्स है और मॉडल नंबर वहाँ पर है। तो इसकी मदद से आपका गिटार आपने जिस मॉडल नंबर का पसंद किया है आप मैच कर सकते हो वही मॉडल नंबर है या नहीं है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, आपने अगर 5 या 5,000 से ज़्यादा का गिटार लिया है तो जनरली इन गिटारों में आपको ट्रस्ट रॉड ज़रूर मिलेगी। आप देख सकते हो अंदर के साइड एक नट जैसा दिख रहा होगा, इसे हम ट्रस्ट रॉड कहते हैं। जिन गिटार में ट्रस्ट रॉड होती है उन गिटार को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम इसकी मदद से हम गिटार का एक्शन हाई और लो कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों यही है वो सारे पॉइंट जिन्हें आपको ध्यान में रखना है एक नया गिटार लेते टाइम। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करें, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करते हो तो मेरे वीडियोज़ के आपको लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू।